ये भी भाई आग लगा रहे हैं। दोस्तों तो इनसे मिलिए, ये हमारे फियाज भाई। तो ये हमारे फियाज भाई, बेसिकली इनसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया है। तो ये मेरे गांव के निकले हैं, मुझे तो इनका पता नहीं था। फियाज भाई तो ये शकरकंदी बेचते हैं यहाँ पे लाहौर में, तो अभी हमें काट के दिखाएंगे। काम किस तरह का चल रहा है यहाँ पे? शुक्र है। बहुत ही बढ़िया, ये शकरकंदी है। आलू की बहन ये काम हो रहा है ना, ये देखें जी अभी शकरकंदी को काट रहे हैं भाई। प्याज प्याज भाई तो अपना प्याज भाई, मुझे ये बताएगा ये शकरकंदी कितनी नस्लों की है? तीन नस्लों। कौन कौन सी होती है? लाल, सफेद, पीले। सही। तो ये आप कहाँ से परचेज करते हैं, कहाँ से लाते हैं? बत्ती चौक मंडी। बत्ती चौक मंडी, सही हो गया। अच्छा तो ये कब से कब तक आप लाते हो यहाँ पे, कब आते हो? 3 बजे से लेकर रात 12। 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक? जी, मेरे नड्डा खाड़ी प्लाजा। ये भी मसाला डाल रहे हैं भाई। ये मसाला या काली मिर्च है? काल मसाला। मसाला आते बात तो देखना मैं काट क्या कर चल अपराध। तो ये ही क्या चीज है? ये आलू बुखारे, इमली की चटनी। आलू बुखारे और इमली की चटनी है। ये भी लाहौर की स्ट्रीट फूड है। आप भाई इसको मिक्स कर रहे हैं। ले जी, ये मुझे लगता है तैयार हो गई है और खाने के लायक। अब क्या बात है। अच्छा फियाज भाई मुझे ये बताइएगा, ये जो शकरकंदी है ये आप कच्ची लाते हैं या पकी पकाई लाते हैं? ये ऐसी मंडी से कच्ची ले आने हैं, काल से तैयार प्लेट रख के ना बर्तन में, ऊपर शकरकंदी जो पा के 1 किलो पानी पा के। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। मतलब कि आप ये मंडी से लाते हो, इसको पानी में उबाल के और फिर यहाँ पे स्टॉल लगा ले, इस पर स्टॉल लगाकर कोले में आग लगा कर ये देखिए जी, इसके नीचे इन्होंने कोले में आग लगाई ताकि शकरकंदी गर्म रहे। प्लीज आके बताता हूँ ये किस तरह का टेस्ट है। इसमें जो चटनी डाली हुई ना इमली आलू बुखारे की, खटा खटा टेस्ट आ रहा है, चटपटा टेस्ट। तो थैंक यू प्याज भाई, आपका मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कमेंट जरूर करें।